तो अब ये शब्द अर्थ आपने याद करने हैं। नन्हे नन्हे का मतलब है छोटे छोटे, नादान का मतलब है अबोध, मासूम जिसको हम बोलते हैं इनोसेंट, धुन लगन, जननी जन्म देने वाली, ये लगन और हठ लिखा हुआ है ना, आपने इनमें से एक ही लर्न करना चाहिए। धुन का मतलब लगन भी हो सकता है, हठ भी हो सकता है। जननी जन्म देने वाली, ध्वजा झंडा, पथ मार्ग रास्ता जिसको हम बोलते हैं, गिर पर्वत, वहां पे हिमगिर आया था ना, हिमगिर का मतलब हिमालय पर्वत, बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत, भय डर, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये करना है कि ये शब्दों का उच्चारण करना है, नन्हे ध्वजा हिम्मत बंधन, बस इनको बोलना ही है, ठीक है। चाहे आप इनके वाक्य भी बना सकते हो, वाक्य बना लो तो ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़्यादा दोहराई हो जाएगी इसकी। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ध्वजा हम भारत का ध्वजा तिरंगा है, ठीक है ना। हिम्मत, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बंधन, हम भारत माता को बंधनों से आज़ाद करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हो इनके जो वाक्य हैं। उसके बाद हैं, हम किस देश के निवासी हैं, हम भारत देश के निवासी हैं। आपने ऐसे लिख देना है, हम भारत देश के निवासी हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लिख दो, हम भारत देश के निवासी हैं, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, हम भारत देश के निवासी हैं। फिर भारत के झंडे को किस नाम से जाना जाता है, भारत के झंडे को तिरंगे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर भारत, बच्चे भारत के झंडे को क्या करना चाहते हैं, बच्चे भारत के झंडे को ऊंचा उठाना चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं, बस। बच्चे किस गिर पर चढ़ना चाहते हैं, बच्चे बर्फ से ढके हुए हिमालय गिर पर चढ़ना चाहते हैं, बर्फ से ढके हुए हिमालय गिर पर चढ़ना चाहते हैं, बस। ऐसे आप लिख सकते हैं इतना, ठीक है। तो उसके बाद है, ये यहाँ पे थोड़े सा ये भी है प्रश्नों के उत्तर, नादान बच्चे किसके सच्चे हैं, नादान बच्चे किसके सच्चे हैं। आपको पीछे भी अभी बताया था, अपनी धुन के सच्चे, अपनी धुन आपने लिख देना है यहाँ पे, अपनी धुन के सच्चे हैं, बस इतना आपने लिखना है। इसको उठा के यहाँ पर रख देना, अपनी धुन के सच्चे हैं। फिर उसके बाद बच्चे बच्चे किससे नाता जोड़ना चाहते हैं, बच्चे किससे नाता जोड़ना चाहते हैं, बच्चे हिम्मत से नाता जोड़ना चाहते हैं, हिम्मत से नाता जोड़ना चाहते हैं, ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे अपनी ताकत से क्या खोलेंगे, बच्चे अपनी ताकत से क्या खोलेंगे, भारत माता के बंधनों को खोलेंगे, माता के बंधनों को खोलेंगे, ऐसे आपने लिखना है, अपनी ताकत से भारत माता के बंधनों को खोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने ये सारा कर लेना।